अच्छा यार, जो आज यूथ क्लब का इवेंट है ना, उसके लिए इन्होंने देखें कुछ तैयारियां की हुई हैं। ये बैनर्स वगैरह लगाए हुए लोगों ने, ये चेक करें, ये ताहिर इब्न जलील भाई और मोहम्मद अली भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम यार, आज जो है हमारा जो है बहुत हेक्टिक डे, प्रेजेंटेशन है हमारी। ये हमारे साथ कामरान भाई भी हैं और माज भाई। वालेकुम सलाम, अल्लाह बरकातहू। तो आज हमारी प्रेजेंटेशन है और यूथ क्लब लोग भी, यूथ क्लब वाले भी आ रहे हैं आज, और एक और इवेंट भी है, मैंने एक जगह तलावत भी शायद करनी है। तो यार ब्लॉग को बिल्कुल एंड तक देखें और कोई चीज़ मिस नहीं करनी। यूथ क्लब वालों के साथ जो वीडियोज़ वगैरह हैं, जो उनके साथ इवेंट होगा उसकी थोड़ी बहुत वीडियो शेयर करूँगा, तो ब्लॉग को एंड तक देखें। حضن اليسوع محمدا ودم السماء توقد يتلوكي أنت الفدا ولك الفدا خاب الذين على المدى خلوكي ستثور بك ال... अच्छा यार हसन भाई, अभी आप केक खा के आ रहे हो क्लास से, कैसा लगा केक का? यार मैंने खाया नहीं यार। झूठ नहीं बोला, झूठ बोला है। अभी आपने क्या एंड पे मैंने खाया केक खाया, मुझे मिला ही नहीं केक। कैसा लगा केक? अमीर भाई आप बताएं। मोहित भाई ने खाया, मैं चला गया था। पक्की बात है? हाँ, मिला नहीं था या वैसे ही चले गए थे? मैं वैसे ही चला गया था पहले। किस चीज का केक था वैसे, बता भी दो। क्या पता भाई किस चीज का केक था। अस्तगफिरुल्लाह, क्योंकि साल गिरा थी तो ये लोग जो है वो केक काट रहे थे। ये माशाल्लाह कैमरा भाई शरीफ बच्चे, इकमाल भाई शरीफ बच्चे आगे थे। بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن। अच्छा यार, जो आज यूथ क्लब का इवेंट है ना, उसके लिए इन्होंने देखें कुछ तैयारियां की हुई हैं। ये बैनर्स वगैरह लगाए हुए हैं लोगों ने, ये चेक करें, ये ताहिर इब्न जलील भाई और मोहम्मद अली भाई हैं, और ये इंशाल्लाह आ रहे हैं। टाइमिंग क्या है? ये टाइम लिखी हुई है 1 बजे आना है 30 नवंबर को AU मेन ऑडिटोरियम में, और ये हमारा जो है फैकल्टी कंप्लीट AI का ब्लॉक जो है ये। तो तकरीबन 1 बजे इवेंट होगा, तो भी उसका भी आपको दिखाएंगे सारा। तो ये मतलब यूनिवर्सिटी में बैनर्स वगैरह भी लगे हुए हैं क्योंकि पीपल के लिए। बॉयज़ से पूछते हैं ये लोग यूथ क्लब के इवेंट में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। जी मोहित भाई, आप आ रहे हैं यूथ क्लब के इवेंट में? इंशाल्लाह जरूर आएंगे यूथ क्लब के इवेंट में, क्योंकि काफी बर्थफुल है और बेनिफिट भी मिलेगा। और जी असम, आप आ रहे हैं? हम तो आपके साथ ही, हमने तो आपकी वीडियोग्राफी करनी है। ओए क्या बात है। जी माँ जी, जाहिर सी बात, आएंगे जगह में जब वो बेस्ट हो। तो आप पहले चले जाए ना थोड़ा, क्लास काफी लोग होते हैं तो आप पहले आया करें। इवेंट क्लास ही जाएंगे। जी साथ भी आप आएंगे इंशाल्लाह आएंगे। अच्छा कामरान भाई, एक बात बता दूं, हमारी जो ICT की क्लास है ना, वो अब 3 बजे हो गई है, तो आपका आना बहुत आसान है। तो भाई PF की तो भाई PF भी है ना, वो तो 9 बजे क्लास है। अच्छा साहब, प्रोग्रामिंग कैसे जा रही है? अच्छा आपने, मैंने कहा था ना आपको पहले भी कि प्रोग्रामिंग सीखनी हो, जूनियर्स है ना, इसके पास आना है। मुझे बताना है आपने, मैं इनसे मिलवाऊंगा, इनका सर खाना है, काम नहीं करने देना। आपने इनका नंबर भी, कहते हैं नंबर भी डाल देता हूँ, तो आपने इनसे पूछ सकते हैं प्रोग्रामिंग के बारे में। हाँ वो अलग बात है, सही बताए गलत बताए, लेकिन वो बताएंगे आपको जरूर। ठीक, तो यार बस में भरपूर है माशाल्लाह। भैया ओवर है? नहीं उसका नहीं कहना, नहीं बहुत हसास तबीयत है इनकी, तो इनको जरा हमें छेड़ना नहीं है। अच्छा हमें सब बातें छोड़े। केक कैसा था? केक मैं था ही नहीं, केक कैसा था? केक खाए हम पहले निकल आए। इतने शरीफ शरीफ बच्चे हैं यार, सब बहुत शरीफ शरीफ बच्चे हैं माशाल्लाह। केक कटा था, केक कैसा था? नहीं केक नहीं खाया आपने, सिर्फ आपने हैप्पी बर्थडे बोला, बस वो भी नहीं बोला। ये बात अच्छा, हमारे ICT वाले सर ने ना प्रेजेंटेशन लेनी है हमारी इंग्लिश में, ICT की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टॉपिक पर बात करनी है। तो मुझे भी आप कह रहे हैं अगर इंग्लिश में है तो क्या करना चाहिए सर को? इंग्लिश में है तो जो मुझसे सवाल पूछे वो भी इंग्लिश में पूछे, और सर भी इंग्लिश में पढ़ाए, फिर इंग्लिश में पढ़ाए, सर की उर्दू में पढ़ाते हैं। और अगर ये वीडियो सर ने देख ली फिर क्या होगा? यू नो वी आर, वी आर नो ऑफेंस ब्रो, नो ऑफेंस, बट यू नो बात है छोटी सी, यू नो वी आर, अगर सर ने देख ली ना तो भाई भी आप सर को शेयर करें वीडियो। अबे यू नो वी लव यू सर, वी लव यू सर मोहसिन, वी लव यू, यू नो वी आर स्टूडेंट्स ऑफ एयर यूनिवर्सिटी, वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ एयर यूनिवर्सिटी ब्रो, इट डजंट मैटर वेदर सर लव्स अस और नॉट। ओए भाई अंग्रेजी अभी से शुरू हो गई।
है माशाल्लाह। यार देखिए हम लिफ्ट में आ गए लेकिन नीचे जाए नहीं रही, जरा चल ही नहीं रहा, चल ही नहीं रहा। देखिए हम अंदर आ गए लेकिन हम लोग फंस गए। शुक्र है बुलाई होगी, किसी ने बुलाई होगी, किसी ने बुलाई होगी, चल गया शुक्र यार, चल गया काम आ गया यार। लिफ्ट कभी कभी चलती है बंद हो जाती है, बस डन अल्हम्दुलिल्लाह। एक बज के 6 मिनट हो गए और ये हालात देखें, लोग जाना शुरू कर दी, वो देखें ऑडिटोरियम में जा रहे हैं, ऑडिटोरियम में यहाँ पे लोग जाना शुरू हो गए। Said, near the establishment of the hour, there will be days during which religious knowledge will be taken away and general ignorance will spread, and there will be a hurge in abundance, and a hurge means killing. Iska dusra aspect ko hume dekhne ko mil raha hai. There is a hurge everywhere, especially in Muslim countries, Gaza, Palestine, Syria, Yemen, Iraq. Humne to bahut kuch dekha na pichle 20-23 saal mein. Bahrhal, इसका पहला जो एस्पेक्ट है कि रिलीजियस नॉलेज विल बी टेकन अवे एंड जनरल इग्नोरेंस विल स्प्रेड, ये इसकी एक नेगेटिव इम्प्लीकेशन हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह से वर्चुअल कोई भी अपनी पसंद की औरत तैयार की जा सकती है या मर्द तैयार किया जा सकता है। और आगे आपको बताया मैं वो नाम नहीं लेना चाहता, राइट, पूरी चैटिंग, फिर चैटिंग से आगे का नेक्स्ट का लेवल जिससे प्लेजर आता है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज इतनी खतरनाक है कि लोग कहेंगे कि यार शादी का क्या फायदा है, मतलब ठीक है प्लेजर ही लेना है ना, तो मशीन आर देयर, प्रोग्राम इज देयर, ठीक है वो तो अच्छा है, वो जो हम कहेंगे वो करेगा या करेगी, फाइट भी नहीं कोई होगी वगैरह वगैरह। तो ह्यूमन जो चैलेंजेस, इंटरेक्शन से चैलेंजेस आते हैं उससे हमारी जान जो है वो छूट जाएगी, ठीक है। तो आप सोचें कि कितने ज्यादा थ्रेट्स आ सकते हैं अगर हम इस पे गौर करने बैठे, राइट। और वेस्ट में ये हो रहा है, जापान में हो रहा है, जापानीज यूथ दे डोंट वांट टू गेट मैरिड बिकॉज ऑब्वियसली वहां पे रोबोट्स हैं, एआई के, एलोन मस्क को आप देख लें, उसने सेक्रेटरी रखी हुई है अपनी, बहुत ही खूबसूरत वो एक रोबोट बनाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। Regarding our own personal psychology is ahead. वजू है। This question in mind. सांपाटी ने मास पढ़ रही है। चलें पढ़ लें। उसको भी जैन को भी 5 मिनट हैं। आ जी आ जी। अब आ जी सर। जी। I had this question for a couple of months here. कि we see people fighting for life. Can we get a suo motu, a clear motto of what the fight is about? What's the war about? Are we fighting the trial of Tabuta Sakina? Isn't it the war of good and evil? रिसीव करने जा रहे हैं हमारे पास, ताबे को रिसीव करने जा रहे हैं। Allahu Allah.
बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिही व सहबिही व वला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आपको? खैरियत से? माशाल्लाह, गुड टू सी यू ऑल। आप में से कौन सा मेरा लाइव इवेंट फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा है? अच्छा, यानी आप तो फिल्म को भी जिंदा देख रहे हैं। एक लड़का मेरे पास है, कह रहा था कहां पे आपको फर्स्ट टाइम जिंदा देख रहा हूं। मैंने कहा कमाल हो गया। चलिए, गुड टू सी यू ऑल। अल्लाह ताला आपका आना कबूल फरमाए। जो शादियों में डांस फ्लोर्स और डिस्कोस लाइट्स और सब कुछ चल रहा होता है, बट जब दुल्हन को विदा करते हैं तो कुरान के नीचे करते हैं और मौलवी साहब को बुलाते हैं निकाह पढ़ाने के लिए, जिनके कन्वर्टेबल दुपट्टे हैं, मर्सिडीज कन्वर्टेबल दीजिए आपने। अजान उठी तो ऐसे आते हैं, अजान गई तो ऐसे हो गए। वो कहते हैं कि ये भेड़ बकरियां हैं, ये भेड़ बकरियां हैं। गैरत ना हो तो 57 इस्लामी ममालिक का OIC अलायंस भी कुछ नहीं कर सकता, अगर गैरत हो तो 313 निवाले आ जाते हैं। जिस दिन बायकॉट किया मैंने अपने वीकनेसेस का कि आज के बाद ये जो मुझसे गुनाह हो रहे हैं आज के बाद नहीं करूंगा, बस खत्म हो गया, उस दिन चेंज आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिए हम लोग जो बॉयज सारे बैठे हुए बॉयज, हाँ फजर में कहाँ होते हैं हम लोग? जो फजर में नहीं आ सकता वो बड़े काम कर लेते हैं। Everything starts with self-discipline. लोगों जब इस्लाम शुरू हुआ था ना, it was strange, अजनबी सा था, और ऐसा दौर आ जाएगा कि जिस दौर में तुम लोग भी इस्लाम स्ट्रेंज होगा। फतूबा लिल गुरबा, उस दौर में स्ट्रेंजर्स बन के रहना, स्ट्रेंजर्स बन के रहना। ऐसा दौर आएगा कि you will find yourself completely comfortable in a concert, but you will find yourself uncomfortable in the masjid. क्या कहा था? इस दौर में ना स्ट्रेंजर बनके रहना। नाउ दे वांट टू हैव अ बॉयफ्रेंड और अ गर्लफ्रेंड राइट नाउ, दे वांट टू हैव मनी चाहे वो हराम से हलाल से राइट नाउ, बट एक स्मार्ट और शार्प मुसलमान जो इमोशनली इंटेलिजेंट है क्या करता है? कहता है जानी सब कुछ करेंगे, सिर्फ 5 मिनट वेट कर ले, सिर्फ थोड़ी देर वेट कर ले। और वल्लाह ये लाइफ क्या है, क्या वक्त हम सब क्या कह रहे हैं, क्या वक्त दिन हम एक दिन भी उसका थोड़ा सा हिस्सा रह के आए बस। फरिश्ते पूछेंगे नहीं अल्लाह के बंदे उस थोड़े से हिस्से में भी अल्लाह को नाराज करके आ गए? They're not loyal. जो सीरियस लोग हैं वो पेरेंट्स से थ्रू ही आते हैं, वो पेरेंट्स इन्वॉल्व करते हैं। सो एक स्टैंस रखें अपना, एक अपना वैल्यू सिस्टम बनाए, इरादे करें कि इंशाल्लाह मैंने इस उम्मत के रूज के लिए काम करना है और मैंने इस उम्मत की तरक्की के लिए काम करना है। अपने आप को फिजिकली मेंटली स्पिरिचुअली तीनों चीजों में तैयार करके रखें, माइंड बॉडी एंड सोल, मेंटली फिजिकली और स्पिरिचुअली तीनों एस्पेक्ट्स में अपने आप को मेरे तफा रखना है। और जब उम्मत को मेरी जरूरत पड़ेगी मैंने उसके लिए हेल्प करना है इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। सो स्टार्ट ऑफ बाय रीडिंग कुरान एवरी सिंगल डे फॉर 30 मिनट्स तर्जुमे के साथ। नंबर 2, बी इन गुड कंपनी, अच्छे दोस्तों के साथ रहें, अच्छी कंपनी में रहें जो कि आपको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करें। तीसरी चीज वो ये है कि अपना जो स्पिरिचुअल सेल्फ अल्लाह के साथ 5 होकर नमाज तो एटलीस्ट पढ़नी है इंशाल्लाह, आपने पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इरादा करते हैं इंशाल्लाह, उससे इरादे करें। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हम से भी और आप सब से उम्मत के उरूज से काम ले लेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान ताला हमें अपनी जिंदगियों में फलस्तीन को आजाद देखे नसीब फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान ताला हमें एक ऐसा हज भी करवाए जहाँ पे हम एहराम इंशाल्लाह मस्जिद अक्सा से बांधे, और क्या खूबसूरत दिन होगा इंशाल्लाह। मेरा जैसी ऑल जिन बारकल्लाह फिकुम, अस्सलाम वालेकुम। ستعود جميلة تلك الأيام نملوها حبا عطفا وأمان وتعود الأرض لحالها لجمالها وتشفى الجراح وتغني الأطيار في كل صباح وتلامس كفي كفك تمحو جراح وتعود الضحكات لتملأ أيامنا تنسى
نسينا هم من كان هنا وانزاح مهما زادت أوجاعنا والحال عصيب شمس الأمل ستشرق من بعد مغيب وستطوى صفحة فيها آلامنا اشتدي أزمة تنفرجي فالخير قريب